हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फाउंडेशन है मेबलीन का सुपर स्टे 24 फोर आवर्स स्किन टेंट जिसमें विटामिन सी भी है एंड बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ये जो शेड मैं यूज करने वाली हूँ वो है टू एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फाउंडेशन है वो क्या, क्या क्लेम करता है तो so यह है फर्स्ट एवर लॉन्ग वेयर स्किन टेंट जो कि आपकी स्किन को कवरेज देगा बहुत अच्छी स्किन जैसी ही एंड ट्वेंटी आवर्स के लिए आपकी स्किन पे अच्छा रहे और इसमें विटामिन भी इन्फ्यूज है सो so, आपका जो फेस का फिनिश है वो ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए फ्रेश एंड नेचुरल रहेगा एंड ये जो फॉर्मूला है काफी ज्यादा वेटलेस है ये स्किन लाइक कवरेज देगा वो बोल रहे हैं नाइनटी फाइव परसेंट लोगों ने कहा है कि इसको लगाने के बाद उनकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी फील होती है एंड स्किन uh, जैसी फिनिश आती है और इनका मानना है की विटामिन सी होने की वजह से अगर आप इसको चार हफ्ते के लिए लगाते हैं तो आपकी स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है ये एज अ स्किन केयर भी काम करता है एंड uh, ये आपको मिल जाएगा सेवनटीन डॉलर में प्राइस पॉइंट से बहुत अच्छा है ये इतना ज्यादा वायरल किस्म का फाउंडेशन हो गया है कि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल से मुझे मिला एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो मेरा चेहरे का शेड है मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों का यही होता है तो ये वाला हमेशा सोल्ड आउट होता था सो so, ये जो फाउंडेशन है इसमें अठारह डिफरेंट शेड्स है होपफुली आपको अपना शेड मिल जाएगा अदरवाइज आप दो डिफरेंट शेड्स को मिक्स करके भी अपना शेड बना सकते हैं मैंने टू शेड यूज़ किया है जो कि मेरे चेहरे पर बहुत अच्छा मैच है ज़्यादा मुझे कुछ ताम करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड प्राइस पॉइंट से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अफोर्डेबल फाउंडेशन है मेबलिन के फाउंडेशन मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं जैसे मेबलिन का फिटमी स्टे ट्वेंटी फोर आवर वो काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज है उसकी रिव्यू वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर उनको मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखना चाहें तो एंड दूसरी इस फाउंडेशन की खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा रनी वाटर किस्म का फार्मूला है आपको लगेगा नहीं कि इतना रनी वाटरी फाउंडेशन आपको कितनी अच्छी कवरेज दे सकता है क्योंकि कवरेज को टेस्ट करने के लिए मुझसे परफेक्ट कैंडिडेट

डायरेक्ट ही मेरी स्किन पे लगा लेती हूँ सो दैट्स सेट अभी हम ब्रश के साथ डबिंग मोशन में ही इसको ब्लेंड करेंगे ये गायज सिरम फाउंडेशन है जो कि आपके चेहरे को बहुत ही नेचुरल किस्म की फिनिश देता है बट फिर भी ये इतनी अच्छी कवरेज करता है आपके चेहरे पे कि नेचुरल फिनिश के साथ साथ आपको फुल ऑन कवरेज मिलेगी लाइक कि उसे कवर करने के लिए फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए ये सिरम फाउंडेशन होते हुए भी मेरे चेहरे के स्कार्स अगर कवर कर सकता है सो so, सोचिए कि अगर आपके चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कितनी अच्छी फिनिश देगा आप सो डबिंग मोशन में से ब्लेंड करेंगे इसको मैं मुझे यूज़ करते हैं अराउंड महीना हो चुका होगा मैं बहुत समय से आपके साथ शेयर करना चाहती थी मेरे मेरे ख्याल से मैंने किसी इंस्टाग्राम की स्टोरी में किया भी होगा सो हेयर इट इज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बहुत ही प्यारा हाइड्रेटिंग फिनिश आ रही है एंड कवरेज कवरेज इज़ अमेजिंग बिल्कुल भी केक ही नहीं लगता लाइक like, ऐसे नहीं लगता कि आपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के रखा है एंड इसका शेड मैच भी मुझे ना अपने चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक रियली गुड 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 शेड मैच आईब्रोज को भी चिट्टा कर दिया मैंने सो so, एक ही एप्लीकेशन में इतनी ज्यादा अच्छी कवरेज वो भी सिरम फाउंडेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो so, मेबली ना हमेशा फाउंडेशन के फॉर्मूले में कुछ ना कुछ मैजिकल तो करता ही है एंड सो so, ये है एक एप्लीकेशन अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं कंसील भी कर लेती हूँ एंड मेरे फेस को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा एंड फिर मैं आपको मिलती हूँ पर मैं फाउंडेशन की और लेयर नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि एक ही से मेरा सारे स्कार्स अंडर आइज़ के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ टू फेस का बाउंडलेस वे शेड का नाम है लाइट बैइ सो आई एम डन विद माई मेकअप मैंने फेस को थोड़ा सा सेट कर लिया है रेवोल्यूशन के लूज पाउडर के साथ क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी रियल कवरेज दिखे ओके okay, दोस्तों तो ये ऐसा मेरा चेहरा लग रहा है मैंने एक ही बार एप्लीकेशन किया है मैंने कोई कंसीलर नहीं यूज़ किया ना ही आज मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है मेरे चेहरे को uh, सेट करने के लिए सो यस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी कवरेज के साथ बहुत कम होता है कि मुझे किसी फाउंडेशन के साथ प्यार हो जब मैं कोई फाउंडेशन खरीदती हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ उसको ट्राई करने के लिए जब मैं ट्राई करती हूँ एक बार मुझे मज़ा नहीं आता दूसरी बार ट्राई करने की हिम्मत नहीं होती मुझ में पर ये जो फाउंडेशन है जब से मैं लेके आई हूँ मैंने एक बार लगाया एवरी यही यूज़ कर रही हूँ मैं एंड uh, ख़त्म भी होने वाला है तो so, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बहुत कम फार्मूले मिलेंगे जो आपकी स्किन पे अच्छी तरह काम करें एंड आपको अच्छा फील भी हो क्योंकि केकी और बहुत हैवी सा जब चेहरे पे फील होता है तो मज़ा नहीं आता एंड दूसरे बंदे को भी बहुत आराम से दिखता है कि इसका मेकअप कैसा है सो so, ये उस काम के लिए बहुत अच्छा है अगर आपने ये अभी तक ट्राई नहीं किया तो आपको ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना चाहिए अफोर्डेबल है कलर की सिलेक्शन अच्छी है फार्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है कि स्किन किसी भी किस्म की हो ये बहुत अच्छी फिनिश देगा क्योंकि इसकी जो फिनिश है वो नेचुरल है ही डू है ना ही आपके चेहरे को मैट और टाइट करता है सो so, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली मेरी स्किन ऑयली है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब भी ये काफ़ी हाइड्रेटिंग सा लगेगा सो so, हर एक स्किन वाला बंदा इसको ट्राई कर सकता है अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो जरूर से करें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है स्कार्स अगर है वो भी कवर कर देगा अगर आपके चेहरे पे स्कार्स नहीं है और आपको बहुत ही ज्यादा नेचुरल किस्म की फिनिश चाहिए क्योंकि ये सिरम फाउंडेशन है एज अ स्किन केयर का भी काम करेगा एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश देगा तो और क्या चाहिए राइट सो यस इसी तरह मेरे रिव्यू के साथ डन है उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बार में बताना कि अगर आप मुझसे कोई और मेकअप की रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में अपना ख्याल रखें आई लव यू गाइस सो वेरी मच बाय बाय